प्रोटीन दो तरह के होते हैं, एक होता है आइसोलेट, एक होता है वे प्रोटीन। दूध में वे प्रोटीन लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए, कि वे प्रोटीन का क्या काम होता है, वे प्रोटीन और आइसोलेट में क्या फ़र्क है, वे प्रोटीन हमें कब इस्तेमाल करना चाहिए। और लेट्स गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो। सो गाइस जिस टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं वो है प्रोटीन। तो मुझसे बहुत से लोग जिम में भी पूछते रहते हैं और इंस्टाग्राम पर DM करते हैं कि हम कौन सा प्रोटीन यूज़ करें, आप कौन सा प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं। तो आज सारे क्वेश्चन मैं क्लियर कर दूंगा आप लोगों के। तो मैं जो प्रोटीन जो मैंने स्टार्टिंग में यूज़ किया था वो था ON का वे। तो प्रोटीन दो तरह के होते हैं, एक होता है आइसोलेट, एक होता है वे प्रोटीन। तो जो आइसोलेट प्रोटीन होता है वो होता है वे प्रोटीन की प्योर फॉर्म। जो हम लोग बेसिकली वे प्रोटीन जो बनता है वो बनता है दूध से। दूध में हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स अलग कर लेते हैं, फैट अलग कर लेते हैं, लैक्टोज आइसोलेट में अलग होता है, वे प्रोटीन में लैक्टोज होता है। और तो वे प्रोटीन की हमें फॉर्म मिलती है, लेकिन जब हम दोबारा वे प्रोटीन को रिफाइन करते हैं तो हमें आइसोलेट प्रोटीन मिलता है। जो आइसोलेट प्रोटीन होता है वो वे प्रोटीन से कुछ परसेंट महंगा होता है, लेकिन जो आइसोलेट प्रोटीन होता है उसमें लैक्टोस बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, मतलब बहुत कम लैक्टोस हो जाता है। लैक्टोस बेसिकली होती है शुगर, मिल्क की शुगर, दूसरी आम वाली शुगर नहीं, मिल्क की शुगर होती है लैक्टोज। बेसिकली आइसोलेट प्रोटीन उन लोगों के लिए होता है जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, मतलब जिनको दूध डाइजेस्ट नहीं होता, प्रॉब्लम हो जाती है, लूज मोशन वगैरह, तो बेसिकली उन लोगों के लिए होता है आइसोलेट प्रोटीन। और जो लोग कटिंग पे होते हैं तो वो लोग वे प्रोटीन यूज़ नहीं करते, आइसोलेट प्रोटीन यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें लैक्टोज नहीं होते, फैट्स ना के बराबर होते हैं, कार्ब्स बहुत कम होते हैं, ना के बराबर, और प्रोटीन की सर्विंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। और एक जो सबसे बड़ी मिथ है और बातें भी हैं कि दूध में वे प्रोटीन लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वे प्रोटीन दो तरह के होते हैं, सॉरी प्रोटीन दो तरह के होते हैं, वे और आइसोलेट। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्किनी हैं तो आप वे प्रोटीन को दूध में ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप कटिंग पे हैं, और सबसे पहले तो अगर आप कटिंग पे हैं तो आप वे प्रोटीन पानी में ले सकते हैं, दूध में ना लीजिएगा, क्योंकि उसमें पहले भी लैक्टोज होता है वे प्रोटीन में, और कार्ब्स के कुछ परसेंट होती है और फैट भी होता है। तो अगर आप दूध में वे प्रोटीन लेंगे तो आपका बॉडी कटिंग पे नहीं जाएगी। सो जो लोग कटिंग करना चाह रहे हैं तो वो लोग यूज़ करें आइसोलेट प्रोटीन इंस्टेड ऑफ वे प्रोटीन, क्योंकि वे प्रोटीन में फैट की कार्बोहाइड्रेट्स की क्वान्टिटी ज़्यादा होती है, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, तो लोगों को गाइडेंस नहीं है कि वे प्रोटीन और आइसोलेट में क्या फ़र्क है। लोग समझते हैं कि आइसोलेट और वे प्रोटीन एक ही है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। आइसोलेट बिल्कुल अलग चीज़ है और वे प्रोटीन अलग चीज़ है। जो आइसोलेट प्रोटीन है वो वे प्रोटीन की प्योरीफाइड फॉर्म है, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और लैक्टोज बिल्कुल नहा के बराबर हो जाता है और प्रोटीन की क्वान्टिटी हाई हो जाती है। तो अगर आप कटिंग कर रहे हैं तो दूध में कभी भी ना वे प्रोटीन लीजिएगा, हमेशा पानी में लें। और आई सजेस्ट यू कि आप आइसोलेट प्रोटीन यूज़ करें। मैं इसलिए वे प्रोटीन यूज़ कर रहा था, किया था मैंने, क्योंकि मुझे एज अ गिफ्ट मिला था ये, तो उस टाइम मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी सप्लीमेंट्स वगैरह की, तो या मैंने ये इस्तेमाल किया। और एक और जो सबसे मतलब लोगों का मिसकंसेप्ट है कि वे प्रोटीन को लोग बहुत मतलब एज अ स्टेरॉइड समझते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये वे प्रोटीन एज अ सप्लीमेंट है जो आपके बॉडी को रिकवर होने में मदद करता है। मैं आपको इजी वे में समझाता हूँ कि वे प्रोटीन का आपकी बॉडी में क्या रोल है। तो एज एग्जांपल, अगर कोई चीज़ कोई कागज़ फट गया है तो उसको आपने जोड़ने के लिए उस पर आप गम लगाएंगे, टेप लगाएंगे या कुछ भी ग्लू वगैरह लगाएंगे। तो ऐसे ही जब आपके मसल टिश्यू फटते हैं, जब आप वर्कआउट करते हैं, तो उसको आप टाई अप करने के लिए, उसको पैचअप करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए आपको बॉडी के लिए, आपकी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जो कि आप अपनी नॉर्मल डाइट से बहुत मुश्किल है, बहुत कम परसेंट लोग पूरा कर पाते हैं। तो आपको ज़रा बंडलाइज ना करने की वजह से वे प्रोटीन बनाया गया है, जो कि आपको एक सर्विंग में 24-25 ग्राम प्रोटीन देता है एज़ पर स्कूप। तो ये थी वे प्रोटीन की बात। जो लोग समझते हैं कि ये स्टेरॉइड है, ये डब्बे जन क्या क्या मिसकंसेप्शन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैंने अपनी इस जर्नी में तकरीबन 3-4 साल की अपने ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने एक चीज़ नोट करी है कि जो लोग कुछ नहीं करते ना, वो सिर्फ बातें करते हैं। तो आपने बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं होना, स्टे फोकस ऑन योर गोल। और एक और बात कि वे प्रोटीन हमें कब इस्तेमाल करना चाहिए। तो वे प्रोटीन का ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप जिस तरह मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो हमारे बजट फ्रेंडली नहीं है वे प्रोटीन, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है अगर आप ओरिजिनल यूज़ करें। क्योंकि आजकल जिम्स वगैरह में बहुत से लोग फेक प्रोडक्ट दे देते हैं और बोलते हैं कि ऑथेंटिक है, ये ओरिजिनल है,
तो ऐसा नहीं है, प्रॉपर चेक करें आप तो। लेकिन जो वे प्रोटीन ओरिजिनल है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। इस तरह मुझे गिफ्ट मिला था ये। अपने आप डाइट में एग्स, चिकन, दाल और फाइबर वगैरह, जिस तरह ग्रीन्स, वेजिटेबल्स वगैरह आप ऐड करें तो आपकी बॉडी के लिए इनफ है। लेकिन जब आप प्रो लेवल पे जाएं, मतलब आपको मसल वगैरह गेन करने हैं, आपने ज़्यादा बॉडी अपनी एस्थेटिक बनानी है, देन उसके लिए आपको वे प्रोटीन यूज़ करना पड़ेगा। उसके अलावा आपकी बॉडी उस लेवल की नहीं जाएगी जिस लेवल पे आपने सोचा होगा। तो यह वे प्रोटीन का मिसकनसेप्शन, आई होप कि आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। वे प्रोटीन सप्लीमेंट है, प्योर सप्लीमेंट है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। सो ऑल राइट सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मेक श्योर सब्सक्राइब अवर चैनल, हिट द बेल आइकन, गिव वीडियो बिग थम्स अप। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैदर अली साइनिंग आउट।